क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन टिकट वीज़ा क्या है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर ओनील ने संकेत दिया है कि उन्हें देश के माइग्रेशन प्रोग्राम में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर वीज़ा स्ट्रीम को बनाए रखने में बहुत कम कारण दिखाई देते हैं, यह कहते हुए कि यह देश में कोई वैल्यू नहीं जोड़ रहा है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सुश्री ओनील ने रविवार को कहा कि $5 मिलियन की यह सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर वीज़ा स्कीम फेडरल बजट पर एक बोझ है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये वे लोग होते हैं जो अक्सर अपने बिजनेस करियर के अंत में आमतौर पर अपना आधा जीवन बिता के ऑस्ट्रेलिया में सेटल डाउन एंड रिटायर होने के लिए आते हैं, और मूल रूप से तो वास्तव में ऑस्ट्रेलिया को उन लोगों के लिए औसतन खर्च करना पड़ता है। यह सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर प्रोविजनल वीज़ा, जिसे अक्सर गोल्डन टिकट कहा जाता है, सफल एप्लिकेंट्स को 5 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहने की इजाज़त देता है अगर वे अप्रूव्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यह एक परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता भी है। इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें वेंचर कैपिटल में कम से कम $5 लाख और ग्रोथ प्राइवेट इक्विटी फंड्स शामिल हैं जो स्टार्टअप्स और छोटी प्राइवेट कंपनीज का समर्थन करते हैं। अप्रूव्ड मैनेज्ड फंड्स में कम से कम $1.5 मिलियन जो ASX में लिस्टेड उभरती कंपनियों में इन्वेस्ट, और एक संतुलित फंड में कम से कम $3 मिलियन की इन्वेस्ट करते हैं। अगर कैंडिडेट्स इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो वे परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। इस स्कीम में एप्लिकेंट के लिए कुछ लाभ भी हैं, जैसे कि इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है और बिना फंक्शनल इंग्लिश वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2016 में इस गोल्डन टिकट वीज़ा को प्रोडक्टिविटी कमीशन ने खत्म करने की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि यह धोखाधड़ी से ग्रस्त है। ज्यादा जोखिम वाले फंड्स में पैसा लगाने से फंड मैनेजर्स को फायदा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिक गतिविधियों में सिग्निफिकेंट वृद्धि होने की संभावना नहीं है। सुश्री ओनील ने कहा कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम में उपलब्ध वीज़ा की गिनती पहले ही आधी कर दी गई थी, लेकिन अब सुझाव दिया जा रहा है कि सरकार इस प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर सकती है। उनका मानना है कि यह वीज़ा प्रोग्राम जिसके लिए है वह देश के लिए वैल्यूएबल नहीं है, और वे अभी अभी घोषित किए गए इमिग्रेशन प्रोग्राम रिव्यू में इसकी जाँच कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के पिछले सीनियर ऑफिशियल अबुल रिज़वी ने बताया कि वे SIV को खत्म करने के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि यह फंडामेंटली पुराने लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट खरीद रहे हैं। अगर आप उनके द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली टैक्सेबल इनकम के लेवल और उनके द्वारा पे किए जाने वाले टैक्सेस को देखें तो वे मिनिमल हैं, और फिर भी वे मेडिकेयर और सोशल सपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। सुश्री ओनील ने यह भी सुझाव दिया कि माइग्रेशन रिव्यू से प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स को दी जाने वाली वीज़ा कैटेगरीज की संख्या में कंसोलिडेशन होगा। उन्हें 70 वीज़ा कैटेगरीज मिली हैं और उनके पास अपने अलग अलग क्राइटेरिया के साथ कई सब कैटेगरीज भी हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।